अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चने वाली चाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा ले लिया है, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा। वो उसे मैं रोस्ट कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे रोस्ट करना है। उसके बाद फिर मैंने इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके ना इसको, ये वाला मसाले से ना चाट में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, उसका मज़ा ही अलग हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और चने मैंने बॉईल कर लिए हैं अच्छे से। और फिर मैंने आलूओं को बॉईल करके उसे दरमियाने साइज में काट लिया है। काटने के बाद मैंने हरी मिर्च ली हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद। उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कटी हुई बारीक मिर्च इस्तेमाल की है। और बारीक कटा हुआ प्याज, तकरीबन दो दो दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो मैंने बारीक कटी हुई इस्तेमाल की है इसमें। और ये कुछ थोड़ी सी बलियाँ हैं जो मैंने ये चाट बनाने से पहले मैंने इसे भिगो दी थी, तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इसे भिगो दिया। तब ये अच्छे से हो गई हैं बिल्कुल। तो अब मैं इसके ऊपर मसाला डाल रही हूँ, वही मसाला जो मैंने बनाया था आपको पहले बताया है मैंने, वो वाला। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ हसबे जायका। और फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बहुत मज़ेदार बनती है। तो दुआ में याद रखा करें। और इसमें दही शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी वो जो खुबानी और या फिर आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगी। मैं इसमें सिर्फ दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है खाने के टाइम, ठीक है? तो हमारे चाट रेडी है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।